से सशस्त्र पुलिस विधेयक के बारे में कुछ चीजों को संक्षेप में कह दिया गया, लेकिन यह बहुत ही आश्चर्य का विषय है कि इसके बारे में क्या गलतफहमी पैदा की गई और यह बात समझ में नहीं आया कि कोई अपनी बात कह नहीं रहे, सदन की कार्यवाही को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। किसने समझाया, किसने ये चीजों को बताया? ये पूरा का पूरा किया जा रहा है। ये बीएमपी बिहार मिलिट्री पुलिस ये उपयोगी नहीं है इसका नामकरण, इसलिए उसका नाम और दूसरे सभी जगहों पर इस तरह का नाम नहीं है राज्य के अंदर, और बिहार में अभी तक बिहार मिलिट्री पुलिस नामकरण था, इसको बदल करके जो बताया गया बिहार सशस्त्र पुलिस बल अब इसका नामकरण किया गया। और इसके अलावे कई जगहों पर जो इन्हें काम सौंपा जाता है, अभी इन लोगों ने बताया, सबसे बड़ी बात देख लीजिए कि बोधगया में महाबोधि मंदिर के पास क्या घटना घटी थी 13 में, और कैसी भयंकर घटना घटी थी, किस तरह से वो बचा था। हम लोग तो तुरंत सुबह जाकर के वहां पर एक एक चीज को देख रहे थे और सारा काम किया, उसका पूरा का पूरा बाउंड्री और एक एक चीज बनाया। कितना बार हम कितने साल जा करके एक एक चीज को हम देखे हैं और कैसे किया जाए। और उसके बाद वहां की सुरक्षा के लिए बीएमपी को ही डेप्यूट किया गया। अब आप देख रहे हैं जो, और इसके बारे में जो इन्होंने बता दिया दरभंगा में यह काम को जो सौंपा गया है, एयरपोर्ट जो वहां पर बना है, तो यह सब काम और अन्य प्रकार के जिन बातों की चर्चा की गई कि कई प्रकार के काम में इनको लगाया जा सकता है वहां की सुरक्षा में। अब जब किसी चीज को पुलिस बल को या इस प्रकार के बल को आप कहीं कोई सुरक्षा में या देखभाल के लिए लगाएंगे और वहां कोई क्राइम करेगा तो क्या करेंगे? क्राइम करेगा तो उसको पकड़ करके नहीं आप उसको गिरफ्तार करके और उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक से आगे बढ़ाइएगा, छोड़ दीजिएगा। यानी कोई गया है सुरक्षा के लिए और वहां पर कोई मान लीजिए फायरिंग शुरू करेगा तो उसको काउंटर नहीं करेगा, उसको गिरफ्तार नहीं करेगा तो क्या करेगा कि ये कर रहे हैं तो हम परमिशन लेंगे कोर्ट से तब इनको गिरफ्तार करेंगे। ये कैसी भावना है? और मुझे तो आश्चर्य होता है। हमने कहा है अपने विभाग को भी, और एक बात जब इसके बारे में जब सुने कि इसके बारे में पूरी चर्चा पहले कभी डिस्कशन हुआ था, एक एक बात हमने 3 घंटा बैठ करके एक एक चीज को देखा है कि कहीं कोई कमी और कोई दिक्कत तो नहीं है। और जब इस बात को कहा तो हमने तो बना दिया था उसमें डीजीपी को और जो हमारे अपर मुख्य सचिव हैं होम डिपार्टमेंट के, इन सब लोगों को हमने कहा कि इस प्रकार का दुष्प्रचार कौन कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग जिस काम के लिए कर रहे हैं और उसी में से किसी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आप ही के बीच में रहने वाला आदमी और कहीं वो तो नहीं प्रचारित करवा रहा, कहीं लोगों को गुमराह वो तो नहीं कर रहा। और हमने जो देखा कि कई लोगों का अभी आया ही है और तुरंत डिटेल में लिखे हुए हैं, पढ़े थे, हम तो चाहते थे कि लोग डिबेट करते और उस समय हम भाग लेते और एक एक बात हम पूछते कि आप कब पढ़े हैं और क्या देखा है, इसका अर्थ क्या है। और आज भी जब आपने मीटिंग बुलाई और उस मीटिंग में पढ़ पढ़ करके जो एक एक चीज को सुनाया गया तो किसी ने देखा है ठीक से? इससे बढ़कर के कोई गलत बात हो ही नहीं सकती है। अगर किसी को किसी के संरक्षण की भूमिका आप देंगे और सिर्फ संरक्षण की भूमिका में वहां पर खड़ा रहेगा और कोई आकर के अपराध करेगा तो उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। और आप जानते हैं कि सारा का सारा ये लोग करने के बाद ये तो हवाले कर देंगे थाने को। तो इस तरह से एक एक चीज का प्रावधान है। और इसके अलावे जान लीजिए जितना सामान्य पुलिस में जिस तरह की कार्रवाई अगर गड़बड़ी करने पर नहीं है उससे ज्यादा कार्रवाई इन लोगों ने की है इस मामले में, कि अगर कोई अपने अधिकार को ठीक ढंग से नहीं निभाता है तो इस पर हम क्या क्या कार्रवाई करेंगे। संक्षेप में एक एक बात की इन लोगों ने चर्चा कर दी। मैं तो चाहता था कि लोग भाग लेते और बोलते तो जवाब भी दिया जाता औपचारिक रूप से, और हम तो बीच बीच में एक एक प्रश्न हम पूछ करके जानना चाहते थे ये किस तरह की बात हो रही है। और वैसे एक बात का और चीज है, मैं समझता हूं, मैं आपको स्वीकार करता हूं आपके सामने कि यह काम चाहिए था अधिकारियों को, कानून जब इसका रूप हो रहा था तो इसके बारे में डिटेल प्रेस के सामने पूरी चर्चा कर देनी चाहिए थी कि आखिर क्या काम किया जा रहा है। अगर यह चर्चा कर दी जाती तब कोई इसको लेकर के गुमराह नहीं किया जाता। तो जब यह पेश हो गया था तब हमने पूरी बात को देखा, तो हमने उस दिन भी कहा था कि भाई इन सब चीजों को तो पूरे डिटेल में बता देना चाहिए बाहर।
तो ये सब काम तो करते रहते हैं, लेकिन अब दायित्व तो है, बन गया, कैबिनेट ने पास किया, और कैबिनेट में जब गया तो कैबिनेट में पूरे डिटेल में होम सेक्रेटरी ने पूरी बात को, जो अपर मुख्य सचिव होम डिपार्टमेंट के हैं, उनसे पूरी बात बताया था, और हमने कहा था कि एक एक बात सब लोगों को बताइए, तो एक एक चीज को बताया गया, आ गया कानून, आकर के यहां पर हुआ, और जैसे ही पेश हुआ उस दिन से क्या हो रहा है? अरे सामान्यता चर्चा में भाग लेना चाहिए, कोई तरीका नहीं है। और किस तरह से यहां पर खड़ा होकर के जो करवाया गया, यहां पर खड़ा होकर के जो करवाया गया, क्या तरीका है ये? आज तक इतने दिनों से मैं भी विधायक रहा हूं 85 में, और 89 में हम लोकसभा में चले गए उस समय, और पिछले चौथे टर्म में हम यहां काम देख रहे हैं, और इस प्रकार का दृश्य हमने नहीं देखा आज तक विधानसभा में कि ऐसा कोई दृश्य होता है और इस प्रकार से काम करने की कोशिश होती है। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ है कि जो फोटो देख रहे थे बाहर, कौन कौन लोग, नए लोग जो चुनाव करके आए हैं, मैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार कम से कम जितने नव निर्वाचित विधायक हैं उन सबों के बीच में नियम और कानून और क्या होता है विधानसभा की, क्या सारी कुछ स्थिति है, क्या करना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में भी एक जरूर ट्रेनिंग का काम करवा देना चाहिए, ताकि लोगों को काम हो। अब वैसे तो हम लोगों का फर्ज है, कर्तव्य है कि एक एक चीज को बता दे, और अगर किसी को लगता है कि यह चीज ठीक नहीं है, जैसा करे वैसा करे, आदमी का तो अपना अपना स्वभाव है, और राजनीति करने वाले जो दल होते हैं कई ढंग से अपने अपने ढंग से निर्णय लेंगे, वो अलग बात है, लेकिन जिस प्रकार से ये कितना बड़ा इफेक्टिव है और विधानसभा में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, बहुत लोग हैं कर सकते हैं, कई तरह की कार्रवाई कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन इस प्रकार का काम नहीं करना चाहिए। डिबेट में भाग लेना चाहिए था, अपनी बात कहनी चाहिए थी, और हम लोग तो पूरी बात पहले सुन लेते और एक एक बात को लेकर के स्पष्टता के साथ बताते कि यह बात उचित नहीं है। इसलिए जब किसी को काम दिया जाएगा तो अधिकार नहीं दिया जाएगा, और जब अधिकार दिया जा रहा है और अनिश्चित अधिकार नहीं दिया जा रहा, यही नहीं है कि सब कुछ वही करेंगे, जो पुलिस का काम हो पुलिस करेगी, लेकिन संरक्षण के काम में जब लगाया जाता है तो उनको जो प्रारंभिक जिम्मेवारी है और उनको जो दायित्व दिया जाता है उसका वो ठीक ढंग से उसका निर्धारण नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, ये सब प्रावधान है एक्ट में। तो एक एक चीज को जानना चाहिए, इस पर ठीक से डिबेट करना चाहिए। मैं समझ नहीं पाया हूं, मैं सचमुच आश्चर्यचकित हूं कि इन सब चीजों की चर्चा करना, अब कोई भी काम कोशिश में होंगे कि नहीं हो, बहुत अच्छा, मैं तो आपको धन्यवाद देता हूं इस बात के लिए और आपका अभिनंदन करता हूं कि नहीं, चाहे जितना देर भी जो भी विवाद करना हो करते रहिए, लेकिन आज का जो कार्यक्रम है आपको, आपने निर्धारित किया था उस चीज को हम पूरा करेंगे, चाहे इसके बीच में जितनी बाधा है। तो इसलिए हम कहेंगे कि इसके बारे में गलतफहमी है, यह बहुत उपयुक्त है, और ये जान लीजिए कि दुनिया, इस देश के दूसरे राज्यों में भी इस तरह के जो कानून है उससे अलग किस्म का नहीं है, वही सब चीज है, ये कोई नहीं है कि बिहार में इस तरह का कोई चीज किया गया, इसलिए इन चीजों को जरा जानना चाहिए। और अन्य राज्यों में कुछ है तो आप उसको पढ़ लीजिए और तब जानिए कि अन्य राज्यों में है इस तरह से, जब कराया गया है आपको ये सब कुछ जो इनको विशेष